भाभी जो है वो बना रही है अल्पिना, जो चावल के आटे से बनाते हैं हम लोग पानी डालकर। और ये सारे आए हुए हैं मेरी दीदी लोग, और ये है जीजा जी, ये एक मौसा जी हैं। दीदी लोग ये है मेरी सिस्टर, इन लोगों से तो आप मिल ही चुके हैं, मेरी नीस, और ये दीदी। और ये रेडी हो रहा है मंडप, तो यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए मेरी भाभी बना रही है अल्पिना। मंडप में होगा उपनयन संस्कार। तो यहाँ के सारे फंक्शंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज भी एक फंक्शन था जो मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं काफी लेट में आई। तो आज के संस्कार को हम लोगों का जो होता है उसको कहते हैं चार कर्म, जो आज हो चुका है। और कल सुबह सुबह एकदम फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा सुबह से ही। और ये है मेरी मम्मी, देखिए इसको कितना ठंडा लग रहा है, सर से लेके पांव तक ढकी हुई है। और ये है मेरी बड़ी मम्मी, देखिए। और ये सारा जो है कल का जो पूजा का सामान लगेगा वो सारी चीजों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये मेरी बुआ है, छोटी बुआ है। और ये है मेरे बड़े पापा। और ये एक मेरी सिस्टर है जो मोबाइल में खेल रही है गेम, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी मोबाइल में गेम खेल रही है, देखिए। पैकिंग सारे गेस्ट को देने के लिए। और ये है मेरी आंटी, इनको मैं मम्मी बुलाती हूँ। और ये सारी मौसी हैं। ये है मेरी एक चाची, और ये है चाची जिनके बेटे का उपनयन संस्कार है। और ये भी है एक चाची, और मेरी मम्मी को देखिए उसको कितना ठंडा लग रहा है, सर से लेके पांव तक ओढ़ के बैठ गया। और इन लोगों को देखिए बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है। और एक ग्लास में, इतनी बड़ा ग्लास में चाय पी रही है। सब लोग आई करो।
एटा मुई मोर रेकॉर्डिंग करते एटा ब्लॉगिंग रे देबी बोल नहीं रे भाई देख चलू।